आज इन दिनों के बाद मेरा हूँ पता है किस लिए, आपके लिए एक और मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ, दैट इज बुक। या ये मैंने जो मैंने इन दिन लगाए हैं ये मैंने अब पूरी बुक पढ़ चुका हूँ। और इसके भी आप सोच रहे होंगे तो ये तो बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं, इसके मैंने नोट्स भी बनाए थे इसलिए इतनी देर हो गई है। अब इस बुक को भी मैं शुरू करने वाला हूँ। सो ओके, और इस बुक को मैं पहले आपको बताऊँ इन हिंदी एंड इंग्लिश, ऑल्सो यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, एंड अब बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट वी इंट्रोड्यूस दिस बुक। दिस बुक इज अनलिमिटेड पावर, दैट इज राइटर बाय एंथोनी रॉबिन्स, जिसे हम प्यार से टोनी रॉबिन्स के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसी बुक है, मतलब कि ये बहुत अच्छी बुक है। मैंने पढ़ा था तो इनके अंदर ऐसा लगा था कि पता नहीं, आई हैव सो मच ऑफ एनर्जी एंड पावर, इट इज वेरी अनलिमिटेड पावर। तो पहले हम इसकी सामने चीज जान लेते हैं, द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर, जो दिस इज एंथोनी रॉबिन्स। ये इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड के, ना कि नेशनल, इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड के बेस्ट सेलर है। ओके, या इसके पीछे लिखा है द ग्लू ऑफ ग्लूस, ये ग्लू के भी ग्लू है। अगर मैं गांव की भाषा में बोलू तो ये ग्लू के भी बाप है। ओके, सो ये है। अब इधर लिखा है न्यू साइंस ऑफ पर्सनल अचीवमेंट, ये एक न्यू साइंस है, ये एक न्यू साइंस है अनलिमिटेड पावर पर्सनल अचीवमेंट के लिए। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो सबसे पहले तो मैं इनके आपको इंडेक्स बता देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले हम इंडेक्स की बात करते हैं। ओके, वेयर इज इंडेक्स? ओके, या है। सो अभी इसके अंदर देयर इज 21 चैप्टर्स, बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं इसके अंदर। जो मैं मेन मेन चैप्टर्स है वो मैं बता देता हूँ। पहले मैं फिफ्थ चैप्टर तक ही बता देता हूँ, क्योंकि फिफ्थ चैप्टर तक बहुत अच्छा आपको लगेगा, बहुत आसान आसान से टॉपिक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा इस बुक को पढ़ने में। पहले आता है द कमोडिटी ऑफ किंग्स, बहुत अच्छा चैप्टर है, मैंने पढ़ा था, मजे आ गए थे इसके अंदर, बहुत अच्छी चीज है, आप भी ये अमेज़न से ले सकते हैं। सेकंड है द डिफरेंस दैट मेड द डिफरेंस, ओके, द पावर ऑफ स्टेट, ये स्टेट एनर्जी में भी आता है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। द पावर ऑफ स्टेट, स्टेट की क्या पावर है, ये थर्ड चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, मैंने पढ़ रखा है, मजे आ गए थे चैप्टर को पढ़ने में। ये तो मैं सोच रहा है दो दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, लेकिन एक दिन में ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, बहुत मजे आए थे पढ़ने में। द बर्थ ऑफ एक्सीलेंस बिलीफ, द बर्थ ऑफ एक्सीलेंस, अब मैंने बस थोड़ा सा ही बताया है। तो ये बुक का बाय कर लीजिए, और ये एक और मैं आपको बुक का नाम बता देता हूँ इसके, द अवेकिंग द जाइंट विद इन, बहुत अच्छी बुक है, मजे आ जाएंगे उसको भी पढ़ के। और एक मनी मास्टरी भी है, वो हमने मम्मी पापा को दे सकते हैं, खासकर पापा को, और जो आप जो पेरेंट्स, पापा, किसी के पापा फादर सुन रहे हैं तो आप मनी मास्टरी कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको इंट्रोड्यूस दे दूंगा अगली वीडियो में, और अवेकिंग द जाइंट विद इन का भी दे दूंगा। और फ्रेंड्स, ये वाली बुक आप पढ़ लीजिए, दिखने में इतनी सुंदर है तो अंदर से पढ़ने में कितना सुंदर होएगा, और बहुत अच्छी है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो जब भी आपके पास, मतलब कि आप फ्री है ना, ये बुक पढ़ लीजिए, मन खुश हो जाएगा, मजे आ जाएंगे। और अभी भी बस लास्ट के एक दो पेज बच रहा है, उसको मैं आज कंप्लीट कर लूँगा। ओके फ्रेंड्स, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर टू ऑल योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, इफ़ यू सब्सक्राइब थैंक यू, और उसे भी करवा लीजिए, एंड इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरी जो आने वाली अपडेट्स वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए आपके मोबाइल लैपटॉप में। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।